हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट। ओके, चार कार्ड्स है यहाँ पे। ओके, सो योर यूनिवर्सल मैसेज हियर पाइसीज, जो कि है डेस्टिनी, द फर्स्ट कार्ड डेस्टिनी, एंड जिसके साथ साथ है वैनिटी। अच्छा पाइसीज, लिसन, कुछ चीज़ें इस वक्त दैट आई एम गेटिंग हियर इज़ लाइक, कुछ चीज़ें इस वक्त ऐसा होगा जिसका शायद आपको इस टाइम पे मतलब समझ में ना आए। शायद आपको लगे दैट जो कुछ भी हो रहा है किसी एरिया ऑफ लाइफ में, वो आपके कंट्रोल के बाहर है या वो आपके समझ के बाहर है। आप मे बी अपने आप को बहुत से सवाल पूछ सकते हो इस टाइम पे, यूनिवर्स को पूछ सकते हो। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहोगे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। कुछ लोगों के लिए वो आपका करियर हो सकता है, आपका लव लाइफ, आपका हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंडशिप वगैरह कुछ भी। तो आई फील लाइक आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहने वाले हो किसी चीज़ को लेके। बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग हियर इज़ दैट कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड ये चेंजेस यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर ना ही आपका हाथ होगा, ना ही आपका कंट्रोल होगा, ना ही इसी वक्त आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी इज़ एट प्ले। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, डेस्टिनी इज़ एट प्ले नाउ। डेस्टिनी लाइक एक इम्पॉर्टेंट इवेंट या इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होगा इस टाइम पे, इस 15 दिनों में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जो आपके लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा पार्ट प्ले करने वाले हैं, या आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो आपको अपने फ्यूचर गोल, अपने फ्यूचर एम्बिशन, लाइफ का जो पर्पस है उस तक लेके चले। हो सकता है कि इस वक्त आपको लाइक कुछ ऐसा मोटिवेशन मिले, ऐसा इन्फ्लुएंस मिले जो आपके पूरे लाइफस्टाइल को बदल के रख दे, जो आपको एक हेल्दी पर्सन बना दे, आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ में बदलाव लेके आए। सो बहुत ही बाय चांस कुछ होगा, या बहुत ही लाइक सडनली या सरप्राइजिंगली कुछ होगा जो काइंड ऑफ आपके लिए एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, जो आपके लाइफ को बदलेगा या आपको बदलेगा towards a positive event, towards a positive situation, ठीक है। so इस वक्त अपने आप के ऊपर pressure आपको नहीं डालना है। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन जो समझ में ना आ रही हो, जो जिसका कोई लॉजिक नहीं लग रहा इस वक्त, ठीक है, उस चीज़ को वैसे ही रहने दो। ना ही किसी चीज़ को रेजिस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। जो भी, जैसा भी है फ़िलहाल के लिए, इस 15 दिनों के लिए, उसे वैसे ही उसी जगह पर रहने देना ही बेहतर होगा। ओके, लेट अस सी योर करियर सिचुएशन। हियर वी हैव द एस ऑफ कप्स एनर्जी, we have the six of swords and the death energy. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सेम कार्ड्स करियर में एग्जैक्टली यही तीन कार्ड्स किसी और जोरिया के लिए निकला था। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा, बट अगर किसी को याद है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम तीन कार्ड्स थे जो निकला था। आई डोंट नो, एनीवेज लिसन, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप वो वाला रीडिंग, वो जो भी ज़ोडियाक का था, आप वो वाला रीडिंग देख सकते हैं। मे बी वहाँ पे भी कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है, जस्ट इन केस, यू नो। अच्छा, तो यहाँ पे पाइसीज, आपके करियर सिचुएशन में जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इज़ दैट डेफिनेटली न्यू चेंज तो आएगा, डेफिनेटली अ न्यू चेंज। लेकिन आई ऑल्सो सी कुछ चीज़ें जिसके ऊपर आप बहुत समय से वर्क पुट ऑन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे भी आपको कुछ होते हुए नज़र आएगा, लाइक एक शिफ्ट ऑफ एनर्जीज। ऑल्सो आई एम हियरिंग कुछ लोगों के लिए, अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया है पास्ट में, या रिसेंटली आपने इंटरव्यू दिया लेकिन नौकरी नहीं लगी, आपने एग्ज़ाम दिया बट वो अच्छा नहीं गया, कुछ भी, यू नो, आपको कुछ करना था लेकिन आपको
कुछ और करना पड़ रहा है लाइफ में, वॉट एवर यूनिवर्स इज सेइंग दैट जो भी आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं किया है या आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है लाइफ में, वो एक्चुअली आपके बेटरमेंट के लिए, वो एक्चुअली लाइफ में आपका ही फ़ायदे के लिए हुआ है. सो कोई भी रिजेक्शन या कोई भी फेलियर को आपको नेगेटिवली नहीं लेना, उसे फेलियर नहीं समझना है, बिकॉज मे बी जिसे आज आप फेलियर समझ रहे हो, मे बी एक टाइम आएगा जब आप उसे जब आपको ये समझ में आएगा कि वो फेलियर होना या वो रिजेक्शन मिलना क्यों ज़रूरी था, क्यों वो रिजेक्शन ज़रूरी था उस टाइम पे, क्यों वो फेलियर ज़रूरी था, या तो कोई लेसन है या तो कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है. लाइक एक आई एम हियरिंग रीराउटिंग, तो आपका डायरेक्शन बदल सकता है, कुछ और हो सकता है इस फेलियर की वजह से या इस रिजेक्शन की वजह से. या अगर आपको स्टक महसूस हो रहा है तो मे बी बिकॉज इस टाइम पे यहाँ पे कुछ है जो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ है जो इस मोमेंट पे, इस एनवायरमेंट पे, इस सिचुएशन में आपको कुछ देर और रहना पड़ेगा, जिस वजह से मे बी आप स्टक फील कर रहे हो, जिस वजह से मे बी चीज़ें मूव नहीं हो रहा है. लेकिन फाइनली इस 15 दिनों में बहुत सारे मूवमेंट्स आने वाले हैं फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ कप्स है. सो मूवमेंट यहाँ पे डेफिनेटली आएगा, चाहे वो कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये इसके पीछे आपका ही हाथ है. लाइक ये आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मूवमेंट आप ही लेके आ रहे हो, या इस मूवमेंट को लाइक आपके हार्ड वर्क के वजह से, आपके लाइक ये मूवमेंट आपके मेहनत का फल है. सिंपली कहा जाए तो ये मूवमेंट आपके मेहनत का फल है, ठीक है. एंड ये काइंड ऑफ ग्रेजुअली आएगा, ऐसा नहीं कि कल सुबह उठ के सब कुछ बदल जाएगा, नहीं. लेकिन अगर कुछ बदलाव आप चाह रहे हो, मूवमेंट आप चाह रहे हो, तो अगर आप प्रॉपर एक्शन लोगे, अगर आप सही डायरेक्शन में अपने एनर्जी को चैनलाइज करोगे, तो ये मूवमेंट डेफिनेटली आ रहा है बहुत जल्दी. ये 6 दिन के अंदर आ सकता है, नेक्स्ट 6 डेज, ओके. एंड कोई भी चीज़, आपको किसी भी चीज़ को इस वक्त नेगेटिवली नहीं लेना है, बस इतना समझ लेना कि कुछ भी नेगेटिव हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा. एंड ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होने के चांसेस है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो. लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो उसे नेगेटिवली मत लेना, बिकॉज आपको अभी शायद रीज़न समझ में ना भी आए, लेकिन एक टाइम पे उसका रीज़न आपको समझ में आएगा कि क्यों नेगेटिव होना उस टाइम पे या इस टाइम पे ज़रूरी था. Let us see your love situation here, Pisces. We have the Five of Swords energy. The Ten of Cups. The Hanged Man. The Queen of Cups. आई फील लाइक पाइसीज यहाँ पे जो फेमिनिन है, द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, जो आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ. यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है, ये फेमिनिन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रही है, या ये फेमिनिन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस फेमिनिन को डर है. मे बी किसी पास्ट ट्रॉमा के वजह से, मे बी डर है कि उन लाइक वो जो सोच रही है, वो जो चाह रही है, वो कभी सच नहीं होगा, वो कभी पूरा नहीं होगा. या ये डर है दैट सामने वाला, लाइक सामने वाला इंसान को वो पूरी तरीके से अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही है. सो इस फेमिनिन को थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ये फेमिनिन थोड़ा सा वेट करके देखना चाहती है दैट सिचुएशन कैसे बदल रहा है, क्या वो भरोसा कर सकती है या नहीं, क्या ये सही टाइम है कि वो अपने इमोशंस के बारे में बात करें, अपने इमोशंस को बाहर लेके आए, क्या ये सही टाइम है कि वो यू नो अपने वल्नरेबल साइड को बाहर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा का असर है, या डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है इस फेमिनिन के साइड से, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी फेमिनिन है, आप या आपके पर्सन, आपको ये समझना है कि इस फेमिनिन को और थोड़ा सा टाइम चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रही है, या फिर अपने एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहती है, इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, बाउंड्रीज है बहुत सारे, ठीक है. एंड जो मैस्कुलिन है यहाँ पे, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट द मैस्कुलिन
मैस्कुलिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लग रही है मुझे. लाइक मैस्कुलिन को यहाँ पे चेंज चाहिए, मैस्कुलिन को फ्यूचर देखना है, ये जानना है कि क्या यहाँ पे फ्यूचर होगा या नहीं, क्योंकि मैस्कुलिन एक ऐसे एनर्जी में है कि ये काइंड ऑफ टाइम पास नहीं करना चाहते, ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए. या तो वो मैरिज है, या तो वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, या तो कुछ भी जो स्टेबिलिटी के प्रतीक है, जो स्टेबिलिटी मीन करता है. मैस्कुलिन को यहाँ पे सिंपली स्टेबिलिटी चाहिए. एंड सिंस यहाँ पे फेमिनिन थोड़ा सा अपने एनर्जीज को हाइड कर रही है, तो मैस्कुलिन को अब डाउट्स होने लगा है कि क्या फेमिनिन सीरियस है या नहीं, क्या फेमिनिन सच में इंटरेस्टेड है या नहीं, क्या फेमिनिन को फ्यूचर चाहिए या नहीं, बिकॉज मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, उनमें पेशेंस की कमी है फिलहाल. एंड मैस्कुलिन काइंड ऑफ वैलिडेशन चाहते हैं, या मैं कहूँगी इन्हें कंफर्मेशन चाहिए कि सच में यहाँ पे कुछ हो सकता है या नहीं, सच में बदलाव आ सकता है या नहीं, सच में इज़ दिस मेंट टू बी और नॉट. सो मैस्कुलिन थोड़ा सा इम्पेशेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा ओपनिंग अप या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है. अगर ये नो कांटेक्ट है, जो कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए, इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप लोग खुल के बात नहीं कर रहे हो, या अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जिस वजह से थोड़ा सा मिसकंसेप्शन या मिस अंडरस्टैंडिंग की जगह बन रही है. एंड दैट नीड्स टू बी करेक्टेड. ओके, तो बाकी ओवरऑल सब सही है, इमोशंस वगैरह भी सही है यहाँ पे, नथिंग टू रियली वरी अबाउट. बट थोड़ा सा अपने बॉन्डिंग या अपने बेस पे फोकस कीजिए, बिकॉज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी है. ठीक है, ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.